हाय फ्रेंड्स, आपने सही देखा। हम आज पढ़ेंगे क्लास टेंथ के निर्देशांक ज्यामिति का फॉर्मूला नंबर 3, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कुछ। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज हो गया, इसके शीर्ष हो जाएंगे ए, बी और सी। ये हमारे त्रिभुज के शीर्ष हो गए हैं। इसके बिंदु होते हैं एक्स वन वाई वन, इसके एक्स टू वाई टू और इसके एक्स थ्री और वाई थ्री। ये हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के ये बिंदु हैं, शीर्ष के बिंदु हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानते हैं। चलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैं लिखने जा रहा हूं। चलिए लिखते हैं 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस y1 प्लस एक्स थ्री। आगे होगा y1 वन माइनस वाई टू। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। पबजी वगैरह काम नहीं आएगा, यही काम आने वाला है। चलिए ठीक है, इस त्रिभुज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बारे में मैं जाते जाते आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता के जाऊंगा, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इरेज कर देता हूं, आशा सबको कोई उतार लिए होंगे। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन है मेरे पास, तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, तीन शीर्ष ही होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला शीर्ष के पहले शीर्ष के बिंदु को, दूसरे शीर्ष के बिंदु को और तीसरे शीर्ष के बिंदु को हमें यहां लिखना है। ये जब लिखा जाएगा उसके बाद हम सूत्र का या फिर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही उसका काम आता है। चलिए एक के हम बिंदु लिख लेते हैं, माइनस फाइव और माइनस वन। ए के बिंदु क्या है? माइनस फाइव और माइनस वन। बी के बिंदु है थ्री और माइनस फाइव, फाइव और टू। ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा मिल जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं इसको। पहले इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री में पहले इसको डिनोट कर लेते हैं, कौन कौन कहाँ आएगा। पहले आपको सबको पता होगा इधर वाला एक्स 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 होता है, वन टू थ्री वाई 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 वन टू थ्री, ये पता है आपको। चलिए एक्स वन में क्या है? माइनस फाइव। एक्स टू में क्या है? थ्री। एक्स थ्री में क्या है? फाइव। वाई वन में क्या है? माइनस वन। वाई टू में क्या है? माइनस फाइव। और वाई थ्री में क्या है? टू। ये निकल गया, अब सूत्र लगा देना है, आंसर बन जाएगा। चलिए देखते हैं सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने लिखाया था, आशा करता हूं याद हो गया होगा सबको। चलिए देखते हैं, वन बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। मैंने तो बोल दिया इसे, आप लोग को थोड़ी कठिनाई हो सकती है बोलने में, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैंने बताया है, शॉर्ट ट्रिक बताना है, जाते जाते बताऊंगा, अभी नहीं। पहले देखिए, वन बाई टू एक्स वन क्या है? एक्स वन है माइनस फाइव, माइनस फाइव हमने लिख दिया। फिर है इनटू ब्रैकेट वाई टू, वाई टू है माइनस फाइव, माइनस है माइनस दे दिया। वाई थ्री, वाई थ्री कितना है? टू, टू मैंने लिख दिया। फिर प्लस है एक्स टू, कितना है? एक्स टू है थ्री।
y3 क्या है, y3 है 2, माइनस y1 क्या है, y1 है माइनस 1, प्लस x3 क्या है, x3 है 5, y1 क्या है माइनस 1, माइनस y2 क्या है माइनस 5। चलिए ठीक है, जगह न होने के कारण मैं गुना मुंह पे कर ले रहा हूं, आप लोग भी बहुत टैलेंटेड हो मैं जानता हूं। चलिए आगे करते हैं, वन बाई टू तो अपने जगह पे लिखाएगा, बोर्ड मास में पढ़ चुके हैं हम लोग पहले कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। चलिए करते हैं, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, फाइव और टू क्या हो जाएगा सेवन, माइनस सेवन को माइनस फाइव से इंटू करेंगे तो क्या होगा, सेवन फाइव जब थर्टी फाइव, सात पच्चीस पैंतीस, पैंतीस हमने लिख दिया, इसका काम खत्म। प्लस यहाँ थ्री है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, टू और एक, दो और एक कितना हुआ तीन, तीन को जब तीन से गुना करेंगे तो सब जानते हैं नाइन होगा। प्लस यहाँ फाइव है जो कि ब्रैकेट के बाहर है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, फोर को फाइव से गुना करेंगे तो चार पचे बीस। चलिए ठीक है, वन बाई टू इंटू जोड़ देते हैं सबको, नौ पांच चौदह के चार हाथ में एक, तीन और दो पांच और एक छह, कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, दो का पहाड़ा से बत्तीस बार में चौसठ कट गया, दो का पहाड़ा में बत्तीस बार में चौसठ कट गया तो क्या होगा, लिखेंगे बत्तीस वर्ग इकाई, बत्तीस वर्ग इकाई आंसर, ये हमारा आंसर आ गया बत्तीस वर्ग इकाई। क्वेश्चन दे देता हूं एक, उसके बाद ट्रिक की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। ए के शीर्ष हैं फाइव टू, बी के शीर्ष हैं फोर सेवन, सी के शीर्ष हैं सेवन माइनस, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं 7.3 या फिर 7.4 आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन की बात हुई, अब आते हैं ट्रिक में। तो ट्रिक ये है कि कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। और याद कैसे होगा, तो मैंने लिखाया था वन बाई टू बड़ी ब्रैकेट एक्स वन फिर ब्रैकेट वाई टू माइनस वाई थ्री, ये मैंने लिखाया था। तो जो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में है उसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, तो तेईस इकतीस बारह, ट्वेंटी थ्री थर्टी वन ट्वेल्व, ये आपको याद कर लेना है। ये कहाँ लगाना है, वाई के साथ है, एक्स के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री क्या तेईस, टू वाई टू और वाई थ्री तेईस, फिर आएगा प्लस एक्स टू, तेईस के बाद क्या बताया था मैंने इकतीस, तो इकतीस क्या हो गया वाई थ्री माइनस वाई वन इकतीस, फिर प्लस एक्स थ्री, उसके बाद क्या बताया था 12, तो y1 माइनस y2, ये आपका ट्रिक हुआ। ये ट्रिक के आधार पे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।